तो दोस्तों हम लोगों ने बोल्ट ऑडियो W50 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को परचेज तो कर लिया, लेकिन टेस्टिंग करने के बाद कहीं ना कहीं हमें डिसअपॉइंटमेंट लगी। तो आप सोच रहे हैं इसको परचेज करने का, उससे पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आराम से डिसाइड कीजिए इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, आप लोगों के ऑलरेडी काफी कमेंट्स आ ही चुके हैं कि हमें बोल्ट ऑडियो W50 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को रिव्यू करना चाहिए। तो मैंने इसको पर्सनली परचेज कर लिया अमेजोन से, 999 रुपीज के आसपास मुझे पड़े, शायद इनका ये लॉन्च प्राइस है। और यहाँ पर इसमें आपको फीचर्स तो भर भर के मिलने वाले, इसमें आपको गेमिंग मोड मिल जाएगा, 4 माइक का सेटअप मिलने वाला है, फुल टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लुक एंड फील भी काफी तक इंप्रेसिव दिया गया है। लेकिन आउटपुट में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट लगी। वो क्या डिसअपॉइंटमेंट है, बॉक्स के अंदर कॉन्टेंट क्या है, इसकी टेस्टिंग हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, आप भी टेस्टिंग देख लीजिए एंड तक पहुंचते पहुंचते, आराम से फिर डिसाइड कीजिएगा कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर इज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कर लेते हैं शुरुआत सबसे पहले अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको बोल्ट ऑडियो W50 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का ऐसे आपको बिल्कुल बढ़िया बॉक्स मिलने वाला है ब्रांड की तरफ से, और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसके बैक साइड में काफी फीचर्स मेंशन किए गए, सब डिटेलिंग में आगे चेक किए जाएंगे। इसको करते हैं क्विकली अनबॉक्स। सबसे पहले आपको यहाँ पे वारंटी कार्ड मिलने वाली, इसमें आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी, इसमें आपको कंप्लीट डिटेलिंग मिलने वाली है प्रोडक्ट के बारे में, टच कंट्रोल्स के बारे में, चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे सैफ बाबा इसके ब्रांड एम्बेसडर इस टाइम पे। और साथ ही में एक टाइप सी की चार्जिंग की भी मिलेगी, एडिकेट लेंथ की टू चार्जर केस। और मेरे पास यहाँ पर भाई ईयर कप्स नहीं आए ब्रांड की तरफ से, पता नहीं क्यों ऐसा किया इन्होंने मेरे साथ, ईयर कप्स मेरे को बॉक्स के अंदर नहीं मिले। आपने परचेज किया है, मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द केस यू विल बी गेटिंग। ऐसा आपको स्क्वायर शेप का बढ़िया सा लुक एंड फील का केस मिल जाएगा, पूरे टेक्सचर मटेरियल यूज किया गया है पूरे केस में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट में आपको बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पर आपको एक बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलने वाली है, बैक साइड में आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा। ऐसे कोई बटन प्रोवाइड नहीं किया गया है केस में, और जो बिल्ट है वो आपको इंप्रेसिव मिल जाएगी, बिल्ट को लेकर मुझे पर्टिकुलरली कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और बिल्कुल कॉम्पैक्ट सही केस है, आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में कैरी कर लीजिए, उसको लेकर कोई इशू नहीं आने वाला है। और केस को ओपन करेंगे, दोनों ही बड्स यहाँ पे पैक्ड है, लेफ्ट राइट भी साफ साफ मेंशन है। ईयरबड्स में मिलने वाला है मैग्नेट्स, ईयरबड्स गिरते नहीं है केस के अंदर से, लेकिन जो केस का लॉक है बिल्कुल प्रॉमिसिंग नहीं दिया गया है मेरे हिसाब से, यहाँ पे थोड़ा बहुत बेटरमेंट होना चाहिए था लॉक पार्ट को लेकर, इसको आपको ऐसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। और बड्स आपको मिलने वाला है स्टैम शेप के, थोड़ा अलग लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं, बोल्ट की आपको ब्रांडिंग दोनों में लगी हुई मिल जाएगी, कलर कॉम्बिनेशन काफी आपको इंप्रेसिव मिलने वाला है, अच्छा लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं। इसके बिल्ड को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और फिटिंग की बात करेंगे, अगर आप प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे फिटिंग इसमें आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन ये काफी ज्यादा एक्ट्रीज कैच कर लेगा बैकग्राउंड की, आप बोल सकते हैं 65-70% बाहर की नॉइस कैंसिल कर रहा है, लेकिन आपको साफ साफ बाहर की एक्टिविटीज भी पता चलेंगी। लेकिन लाइटवेट ईयरबड्स ये मैंने प्रॉपर ईयरकप्स लगा के मैंने काफी कोशिश की हुई है, वर्कआउट्स करके देखा, मैंने रनिंग करके देखी, एक्टिविटीज मैंने काफी करी, लेकिन कानों से नहीं गिरते हैं ये। फुल टच कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। और एक नजर हम डालते हैं इसके फीचर्स पार्ट को लेकर। तो इसमें आपको मिलेगा लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 13 mm डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC कोडेक का सपोर्ट, कॉड माइक का सेटअप, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ गेमिंग मोड मिल जाएगा, फुल टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, 7 से 8 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, टोटल आप 50 hours का ओवरऑल प्ले टाइम ले सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस। लाइटनिंग बोल्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट आप केस को चार्ज करेंगे लगभग यहाँ पे आपको 2.5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा। फीचर्स को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, काफी आपको इंप्रेसिव फीचर्स मिल जाएंगे। फुल टच कंट्रोल्स की बात करेंगे, अगर आप किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो म्यूजिक पॉज होगा, राइट ईयरबड को डबल टैप करेंगे तो ये नेक्स्ट चेक पे जाएगा, लेफ्ट ईयरबड को अगर आप डबल टैप करेंगे तो ये प्रीवियस चेक पे जाएगा, राइट ईयरबड को आप ट्रिपल टैप करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, लेफ्ट ईयरबड को आप ट्रिपल टैप करते रहेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। और किसी भी ईयरबड को यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा, आप कमांड देकर यूटिलाइज कर सकते हैं। और किसी भी ईयरबड को यहाँ पे आप 4 टाइम्स टैप करेंगे, 4 बार टैप करेंगे गेमिंग मोड में एंटर कर जाएगा, आपको कानों में प्रॉम्प्ट भी सुनाई देगा गेम मोड ऑन करके, फिर से 4 बार टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो गेमिंग मोड से एग्जिट करके म्यूजिक मोड में आ जाएगा। इनकमिंग कॉल को एक्सेप्ट करने के लिए सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, चलती हुई कॉल को रिजेक्ट करने के लिए डबल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए अगर आप डबल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, टच रिस्पॉन्सिव है उनको लेकर इशू नहीं लगा मुझे। वैसे बात करेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस की, 45 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की है, आप खुद ही देख लीजिए BGMI का गेम टेस्ट।
गेमिंग इसमें आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली, जो 45 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की बिल्कुल जस्टिफाई करती है। मुझे ज्यादा लेटेंसी फील नहीं हो रही थी क्योंकि इसमें आपको एसबीसी कोडेक का सपोर्ट है, एसी कोडेक का सपोर्ट नहीं है। एसबीसी कोडेक में आपको सही गेमिंग मिलने वाली है, इसको आप डेफिनेटली बढ़िया गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। स्टीरियो सेपरेशन भी आपको सही मिल जाएगा, एनिमीज यहां से राइस से आ रही है आप पता कर पाएंगे। गेमिंग पार्ट काफी इंप्रेसिव मिलने वाला है। बात करेंगे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको 13 mm डायनेमिक ड्राइवर्स है, एसबीसी कोडेक का सपोर्ट है, एसी कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। लाउडनेस आपको अच्छी मिलने वाली है लेकिन थोड़ा बहुत साउंड लीकेज का इशू भी आपको देखने को मिलेगा। 70% वॉल्यूम सब जैसे ऊपर जाएंगे, साइड में जो बैठा हुआ है बता देगा एक्जैक्टली आप कानों में क्या सुन रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसके ट्रेबल्स मुझे ठीक ठाक लगे, बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं लगा ट्रेबल्स पार्ट को लेके। वोकल्स आपको सही मिल जाएंगे और बेस इसमें आपको मिलने वाले हैं अच्छे पावरफुल बोल सकते हैं। अगर आप बेस लवर हैं उस पर्पज के उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रॉपर आपको पंचिनेस मिलने वाली, थम्स मिलने वाली है, लेकिन ट्रेवल्स में थोड़ा बहुत बेटरमेंट होना चाहिए था। वोकल्स आपको सही मिल जाएंगे और बेस थोड़ा ज्यादा है हल्का फुल्का, तो आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन जो है हल्का फुल्का बोल सकते हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए थी वहां पे। तो इसमें आप बोल सकते हैं म्यूजिक आपको डिसेंट मिल जाएगा, बेस आपको अच्छा मिल जाएगा। बात करेंगे कॉलिंग की, 4 माइक का सेटअप है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ। डीआरएस आप सुन लीजिए एक बार हमारा दीक्षा रिव्यू सिस्टम। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा था अभी। ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा है, ओके। यार यहाँ पे अभी मेरे पास ना गोल्ड बैंक की तरफ से गोल्ड लोन मिल रहा है। हेलो, हाँ मुझे तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है समझ में अच्छे से? आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल, एक्चुअली मुझे तुम्हारी लाउड मतलब वोकल्स में लाउडनेस है ही नहीं, बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही है तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी आज क्योंकि इसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा बैकग्राउंड की जो एक्टिविटी, वो तो फिर भी थोड़ी बहुत पता चली, लेकिन तुम्हारी आवाज़ तो आ ही नहीं रही है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी, हालांकि कुछ सुनाई नहीं दिया होगा क्योंकि इसमें कॉलिंग का मुझे पर्सनली इशू लगा। हो सकता है मेरे ईयरबड्स में इशू है, मेरे को डिफेक्टिव पीस आया ब्रांड की तरफ से। अगर आपने परचेज किया है आपको कॉलिंग में इशू आया है या नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ना मेरी वाइफ बिल्कुल सुन नहीं पा रही थी, बोल रही थी कि बहुत ही कम लाउडनेस से आवाज़ इसको आ ही नहीं रही थी ईयरबड्स के थ्रू। मैंने बाद में भी कॉल किया उसको थोड़ी देर बाद रीसेट करने के बाद बड्स को, लेकिन बोली थी कभी आ रही आवाज़ कभी फ्लक्चुएट हो रही है। तो फ्लक्चुएशन देखने को मिली थी मेरी वॉइस को लेके। मैंने अपने फ्रेंड से ही बातें की, मैंने अपने एड्रेस से ही बातें करी तो वो भी सेम बोल रहे थे कि आवाज़ आ रही है कभी आ रही है कभी जा रही है। तो हो सकता है मेरे वाले ईयरबड्स में दिक्कत आ रही हो, आपकी ईयरबड्स में आ रही है कि नहीं आ रही कॉलिंग पार्ट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे को पर्सनली ये एक्सपीरियंस मिला कॉलिंग को लेकर, लाउडनेस मामले में काफी हद तक इसमें आपको ड्रॉबैक मिलने वाला है कॉलिंग के टाइम पे। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी में कॉल क्वालिटी को रेटिंग नहीं करने वाला हूं, गेमिंग एक्सपीरियंस को भी हम करेंगे रेटिंग्स आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8 out of 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 8.5 out of 10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस दूंगा 9 out of 10। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स अप्रॉक्सिमेटली 999 rupees जो कि इसका लॉन्च प्राइस है। और यहाँ पर ये एक डिसेंट पैकेज लगा मुझे, बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं लगा पैकेज को लेके। थोड़ा यहाँ पे जो बेटरमेंट है केस पार्ट को लेके होनी चाहिए थी, काफी लूज केस दिया गया है, ट्रेवल्स में बेटरमेंट होनी चाहिए थी। बेस आपको अच्छा मिल जाएगा, कॉलिंग मुझे काफी दिक्कत फेस हुई मैंने आपको बता ही दिया, गेमिंग आपको अच्छी मिलने वाली है। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दिया, अगर आपने परचेज किए हुए आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, नहीं मिला है तब भी जरूर बताइए। पॉसिबल लिंक्स भी दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके इसको एक बार देख सकते हैं अगर प्रोडक्ट पसंद आया तो। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। So this was all about the unboxing, reviews, ratings, calling test and gaming test of the recently launched Bolt Audio W50 True Wireless Earbuds. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.